नमस्कार, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की आपकी जो वैकेंसी आई हुई है उसमें आपकी जन्म तिथि कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को आपका से जो जन्म तिथि है को रेंज कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बात करेंगे कि आपको किस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर जो है आपके कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट के आधार पर कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। यदि आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो इस चीज़ को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो कैसा होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने इस वीडियो में कवर की है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एसएससी एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी का फॉर्मेट के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होते हैं, जैसे कि आपका लैंग्वेज से इशू है कि मेरा सर्टिफिकेट इस लैंग्वेज में बना हुआ है, कब का बना होना चाहिए, सारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो मैं अपकमिंग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये आपका एमटीएस का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आप फॉर्म कब से कब के बीच में भर सकते हैं। तो मतलब आपके जो फॉर्म भरने का जो डेट है 27/6 से लेकर 27/6/2024 से लेकर आप 31/7/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो समय रहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट दिन का वेट मत कीजिएगा क्योंकि सर्वर जो है काफ़ी वहाँ पे डाउन हो जाता है और फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, तो अभी ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ वैकेंसी देख लीजिए, इसमें दो कैटेगरी की वैकेंसी है। पहली एमटीएस की जो वैकेंसी है आपकी 4,887 है और हवलदार की जो वैकेंसी है 3,439 है। ये आपकी वैकेंसी है और ये लेवल वन की जॉब है और इसमें बात करेंगे रिजर्वेशन भी आपको मिलता है कैटेगरी वाइज, तो आगे चीज़ों को कवर मैंने किया हुआ है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट पर बात करते हैं कि आपकी जन्म तिथि के बारे में, तो आपका जो जन्म तिथि है 1/8/2024 से कंसीडर किया जाएगा। मतलब 1 अगस्त 2024 से आपकी जन्म तिथि जो है काउंट की जाएगी कि आपकी उम्र जो है कितनी हो रही है। यहाँ पर जनरल के लिए मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दो कैटेगरी में फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। मतलब दो कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ तैयार होता है, पहला 18 से 25 और दूसरा 18 से 27। अगर मैं बात करूँ रिलैक्सेशन के मामले में तो आपको मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है 18-27 वाले पर मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आप 3 साल जोड़ लीजिएगा, तो उसी तरीके से आप एससी एसटी से हैं, पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट्स हैं तो आपको मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपका 18-27 वाले कैटेगरी पर मिल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलता है कि जिसका जो कट ऑफ है 18-27 वाले का थोड़ा सा हाई जाता है कंपेयर टू 18-25 वाले कैटेगरी के बीच में, और वैकेंसी भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पर कम होती है 18-25 के कंपेयर में। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर जो दिया वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी इन लोगों को कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो इनकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 2/8/1997 से लेकर 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज यहाँ पर कि अगर आप किस कैटेगरी में जाइएगा, अगर आप मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप 18-25 वाले के लिए देखना चाहेंगे तो आपका 2/8/1999 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होनी चाहिए, और इसमें 2 साल कम हो गया है तो 1997 में यदि आपके 97 और 98 कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे 18-27 वाले में चले जाएंगे। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। और यहाँ पे एक और भी डाउट आता है कि अगर मेरी जो जन्मतिथि है यहाँ पे 2/8 ना होकर 1/8 होगा तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊँगा, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपकी जो जन्म तिथि है 27 साल से कम होनी चाहिए, मात्र यहाँ पे एक दिन भी कम की बात कर रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन हुआ है ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि 2/8/1997, तो इस तिथि को आप देखिएगा तो आपकी जो जन्म तिथि होगी, जन्म तिथि के अनुसार जो उम्र होगी 26 साल 11 महीना 30 दिन होगी। अगर मैं इसमें एक दिन और बढ़ा देता हूँ तो एक्यूरेट 27 साल हो जाएगा, तो जो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, आपकी जो उम्र होनी चाहिए 27 से कम होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपकी जो जन्म तिथि है यहाँ पर 1/8/1997 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और किन्हीं लोगों के यहाँ पर इसमें भी कम है जैसे कि 2/7/1997 है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो मैं कहने का मतलब यही है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपकी जो जन्म तिथि है 2/8/1997 से लेकर
1/8 × 6 के बीच में होनी चाहिए, आप इसको मिला लीजिएगा। यदि इसके बाद भी आपके डाउट हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट में यहाँ पर रिप्लाई दे सकूं। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है कि आप खुद से इस चीज़ों को देख लीजिएगा कि आपकी उम्र हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं OBC का। OBC के यहाँ पर देखिए 3 साल एज में रिलेशन मिलता है, SC ST का यहाँ पे 5 साल मिलता है। वैसे ही PWD की बात करें तो PWD यहाँ पर 10 ईयर्स का आपको इसमें रिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर PWD में आप कैटेगरी वाइज आते हैं जैसे कि OBC में आते हैं तो आपको 13 साल, PWD आप SC ST आते हैं तो आपको यहाँ 15 साल। तो ये कैटेगरी वाइज आप डिफरेंट देख लीजिएगा। एक सर्विसमैन्स है और भी यहाँ पे काफ़ी कैटेगरी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लीजिएगा। मैं 2-3 यहाँ पे कैटेगरीज आपको समझा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप खुद इस चीज़ को देख सकें। और आगे मैं बात कर लूँगा कि किस कंडीशन में आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और इस तरह के इंपॉर्टेंट जो आपकी जानकारी हो कहीं नहीं मिलती है, काफ़ी रेयर ही चांस में आपको देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप बात कर लेते हैं OBC का। तो OBC में आपको पता है कि आपको एज में 3 साल का रिलेक्शन देखने को मिलता है, मतलब यदि आपकी उम्र जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच तक है, 18 से लेकर 30 साल, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 27 है, तो 27 में यदि आप 3 जोड़िएगा आपको रिलेशन देकर, तो आपका उम्र जो है 18 से 30 साल के बीच में है। अगर मैं जन्मतिथि की बात करूँ तो यदि आपकी जो जन्मतिथि है 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये चीज़ है कि आप यहाँ पे 18 से 27 वाले में जाइएगा, यदि आपकी उम्र रिलैक्सेशन लेकर वहाँ पे होती है तो आपको यहाँ पर 18 से 27 के लिए ही सिर्फ यहाँ पे आपके कट ऑफ तैयार होगा, आप उस कैटेगरी में जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी जो जन्मतिथि है 2/8/1994 से लेकर 1 में है तो आप अप्लाई कर पाइएगा। जैसे कि मैंने बताया था अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आप इसमें उम्र में कम करते हैं, जैसे यदि आपकी उम्र 1/8/1994 है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा। 93 वाले भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे, 92 वाले भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि इसके आगे होना चाहिए। यदि आपकी जन्मतिथि 2/9 है, 2/9/1994 है, 1995 है, 1996 है, इस तरीके से करते करते यदि आपकी उम्र 1/8/6 के बीच तक है और आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप OBC का यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे SC ST के बारे में। SC ST को यहाँ पर उम्र में 5 साल का रिलेक्शन देखने को मिलता है। SC ST को यहाँ पर 5 ईयर्स का एज में रिलेक्सेशन देखने को मिलता है। तो उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो यदि आपकी जन्मतिथि यहाँ पर सीधे 97 में से 5 घटाइएगा तो आपका मिल जाएगा कि 2/8/1997 में से आपको 5 घटाना है, 2/8/1992 से लेकर यदि आपकी जन्मतिथि 1/8/2006 के बीच में है और आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच यदि आपकी जन्मतिथि है और आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उसी तरीके से बात करूँ यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स का, देखिए PWD कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से है उनका 10 साल एज में रजिस्ट्रेशन है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली यहाँ पर जो 1997 है इसमें आपको 10 साल कम कर देना है। मगर जैसे कि मैं कहने की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यदि आपकी जन्मतिथि 2/8/1987 से लेकर 1/8/2006 के बीच में है और आप PWD अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। आई होप आप समझ गए हैं किस तरीके से एज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर मैं वही बात करूँ PWD OBC के लिए तो आप क्या करेंगे, 1997 में यहाँ पर 13 साल आपको कम कर लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लेंगे कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आई होप मैंने यहाँ पर जन्मतिथि को लेकर जो भी आपके डाउट थे, बहुत सारे कमेंट भी आ रहा था, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद भी जो डाउट होगा तो आप कमेंट यहाँ पर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत सारा चीज़ ऐसे देखने को मिलता है कि OBC सर्टिफिकेट को लेकर या आपके SC ST सर्टिफिकेट को लेकर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के यहाँ पर कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया जाता है। पहला कंडीशन ये होता है कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो आपका सीधा डिपार्टमेंट करवा रहा है, यदि आप OBC SC ST जिस कैटेगरी से आप जाते हैं और आपने वहाँ पर रिलैक्सेशन लिया है, अगर आप उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर सबमिट करने में असफल हो जाते हैं, मतलब आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा।
ये चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पे आपका जो क्रोशियल डेट के यदि बाद का सर्टिफिकेट होता है तो डिपार्टमेंट के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो चाहेगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है, ऐसा उसके पास अधिकार है। आप कोर्ट में भी जाइएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आपके बेनिफिट के लिए आपका क्लियर मेंशन किया गया है। और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि आप इस चीज़ को श्योर करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती होगी। यदि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे एज में या कुछ भी तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉन क्रिमिलियरली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब सेंट्रल का आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती है, लैंग्वेज के लेकर क्या इशू है, हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस सर्टिफिकेट जो है मैं अपकमिंग वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर इस वीडियो में करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आई होप मैंने आपके मैक्सिमम डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।